नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त रवि कांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। सूचना तो सभी लोगों के पास धीरे धीरे पहुंची गई होगी। क्यों पहुंच गई है ना सूचना? मैं भी जब इस सूचना को पाया हूं तो मैं भी बड़े तनाव में आ गया हूं कि आखिर भाई अब ये क्या नया आ गया। मतलब सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा होता है ना, तो हमारी सरकारें कुछ ना कुछ ऐसा बीच में जरूर कर देती हैं कि जिससे हम डिफ्लेक्ट हो जाएं। होता ना ऐसा, जैसे सब कुछ खूब आराम से एकदम फुल स्विंग में जा रहा है, खूब अच्छी से हमारी तैयारी हो रही है, आगे हमको दिखाई दे रहा है कि फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, हम अपने एग्जामिनेशन पे एकदम फुल कंसंट्रेट होकर तैयारी कर रहे हैं, तब तक बीच में एक बम फोड़ दिया। मैं इस खबर को जैसे ही पाया तो मैं तो मैं थोड़ी देर के लिए तो शॉक हुआ कि आखिर अब ये क्या नया मामला आ गया कि अब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। काहे भाई, एक बार में क्या समस्या है? पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 11th और 12th दोनों मिलाकर एक एग्जाम होता था। लॉजिक समझिए, 11th और 12th दोनों मिला के एक एग्जाम होता था, 9th और 10th मिला के एक एग्जाम होता था। पूरा 11th का सिलेबस लेकर हम लोग 12th तक जाते थे और 12th के लास्ट में एग्जाम होता था। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया होता था। बाद में धीरे धीरे अभी आप लोग जब आए तो स्थिति यह हुई कि 11th का एग्जाम अलग होता है, 12th का एग्जाम अलग होता है। चलो भाई, यहां तक भी ठीक था। अभी एक नया ऑप्शन आ गया, अब साल में दो बार कराएंगे बोर्ड परीक्षा। काहे भाई कराएंगे? व्हाट इज द एसेंशियलिटी ऑफ दिस पॉइंट? आवश्यकता क्या पड़ गई इसकी? तो आपको याद होगा, इसी विषय में मैं डिस्कशन करने के लिए आपके साथ आया हूं। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और अपने मतलब दोस्तों के साथ, जिनको भी लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी हो सकती है, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा। जो भी इस तरह की कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं लेके आपके साथ आ जाता हूं। और सबसे बड़ी चीज़, ऑथेंटिक और मतलब जो एकदम एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं चैनल का व्यूज़ बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी खबरें तेल मसाला लगा के मैं बताता नहीं। आइए, तो जब ये खबर मुझे लगी तो मुझे लगा कि नहीं, इस खबर की तहकीकात करनी जरूरी है। ये कल रात से घूम रही है, यद्यपि आज हमारे घड़ी में हो रहे हैं 24 तारीख। कल 23 तारीख को पूरा भारतवर्ष, नहीं पूरा विश्व, चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न मना रहा था। हम लोग भी अपने चैनल पर लाइव थे, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो रविकांत त्रिपाठी के इसी चैनल पर जाकर के लाइव देख सकते हैं। वो चला हुआ है कल का, बहुत ही शानदार सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और इसके लिए पूरी इसरो टीम को, भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को और भारतवर्ष के हर एक कंकड़ पत्थर को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनकी वजह से, जिन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंसली, अनइंटेंसली हमारे इस मिशन को सपोर्ट किया। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी बधाइयां। लेकिन जैसे ही यह खबर कल रात से चलनी शुरू हुई, रात भर में मैंने तहकीकात किया कि आखिर यह मामला क्या है। तो आइए सबसे पहले मामले को समझते हैं कि साल में दो बार जो परीक्षाएं होंगी वो होंगी किसके लिए। तो इसके लिए मैं चलता हूं सीधे लेकर के दैनिक सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण के पास, क्योंकि प्रिंट मीडिया पे मुझे ज्यादा भरोसा होता है। और आप देखे होंगे ज्यादातर जो मैं खबरें रिवील करता हूं वो इन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ही रिवील करता हूं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ दैनिक जागरण का ये पेज आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। इस खबर को मैं पाया, इस खबर को आप पढ़िएगा, ब्रीफली पढ़िएगा। इसका जो पीडीएफ है आज के समाचार पत्र का, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल वही है जिस नाम से यूट्यूब है, रवि कांत त्रिपाठी, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आज की जो पूरी कंप्लीट जो न्यूज पेपर है, मैं आपको पूरा का पूरा न्यूज पेपर उस पर डाल दूंगा। कारण यह है कि चंद्रयान के बारे में बहुत जानकारियां हैं और साथ ही साथ ये भी चीज वहीं पर है। अब चर्चा हुई इस विषय पर कि साल में दो बार जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी किसकी होंगी, अभी जो हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। तो भाइयों सतर्क हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए है जो 2024 में एडमिशन लेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि यूपी बोर्ड की तरफ से या सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। यह बच्चों पर जो एजुकेशन स्ट्रेस है, जो उनके पास जो लोड है, उसको कम करने में मददगार होंगी। हाँ, एक चीज इसके साथ बहुत अच्छी चीज एसोसिएट की गई है, 11th में भी दो परीक्षाएं और 12th में भी दो परीक्षाएं। आपको याद होगा कोविड के समय में टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जामिनेशन कराए गए थे सीबीएसई बोर्ड वालों के। हालांकि यूपी बोर्ड ने इस पर बहुत काम नहीं किया था, सीबीएसई बोर्ड ने कराया था टर्म 1 और टर्म 2, दो एग्जाम कराया था और दोनों एग्जाम्स का नंबर जोड़ करके तब उसने बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। सही है, वही मामला अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, पूरे भारतवर्ष को, पूरे राष्ट्र को एक साथ एक शिक्षा नीति में बांधने के लिए उन्होंने इस फार्मूले को अपनाया है। इसमें क्या होना है, 11th में भी दो एग्जाम होने हैं, 12th में भी दो एग्जाम होने हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी।
कि अगर आप जो है पहले एग्ज़ाम में ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन हो सकेगा कि शायद एग्ज़ाम दें या न दें। अगर पहले एग्जामिनेशन में आपको थोड़ी कमी रह गई तो आप दूसरे एग्जामिनेशन में उस चीज़ को जा करके अचीव कर सकते हैं। हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बन जाती है? वो महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है भारतीय भाषाओं की। अभी जो बच्चे भी हाई स्कूल में हैं वे हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं पढ़ते हैं अनिवार्य रूप से। वैसे ही जब आप इंटर में आते हैं तो आपको दोनों में से कोई एक भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी होती है। हिंदी को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का तमाम सारे लोग ले लेते हैं, या इंग्लिश को छोड़ के दूसरा कुछ ले सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक लेना होता है, ये अनिवार्यता है। अब ये अनिवार्यता आपकी ओर बढ़ा दी जा रही है कि आपको दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। कक्षा 9-10 के छात्रों को अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। ध्यान रखेंगे, तीन भाषाएं अब आपको पढ़नी होंगी जिनमें से दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी आवश्यक हैं। उसी प्रकार कक्षा 11-12 में आपको कहां पर है कि कम से कम दो भाषाएं पढ़नी ही होंगी जिनमें से एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। तो हम फिर एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे कि वर्तमान में चूंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी सितंबर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस साल गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्लाई कर पाएगी। फिर भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट मुझे लगता है कि ये 2025 के एग्जामिनेशन में ही हो पाएगा, यानी 2024 के बाद जो बच्चे इनरोल्ड होंगे उन्हीं पर यह नियम लागू हो पाएगा। वर्तमान में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस खबर से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल में जो भी खबर पढ़ना चाहेंगे पूरा का पूरा खबर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इसको एक बार समराइज करके मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमुख क्या है कि 9th और 10th को मिलाकर के 11th और 12th को मिलाकर कुल चार एग्जामिनेशन होने हैं नई शिक्षा नीति में। 9th में भी दो, 10th में भी दो, 11th में भी दो, 12th में भी दो, आपको दो दो एग्जामिनेशन देने होंगे। दोनों एग्जामिनेशन का जो कॉमुलेटिव एवरेज होगा वही आपके बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बनेगा। फिर से समझेंगे, दोनों परीक्षाओं का जो कम्युलेटिव एवरेज होगा वो आपके बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहली परीक्षा में ही जैसे दो एग्जामिनेशन होने, पहले एग्जामिनेशन में अगर आपने बेहतर कर लिया तो दूसरे एग्जामिनेशन में आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यदि पहला एग्जाम गड़बड़ निकल गया तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे दोनों हाथ में अब लड्डू है। अब हमको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। लैंग्वेज पे काम करना क्यों जरूरी है? ऐसे सभी बच्चे जो लैंग्वेज को हल्के में ले लेते हैं, यार हिंदी है, मैं हिंदी तैयारी हो ही जाएगी, अब वे बच्चे थोड़े सीरियस हो जाएं, क्योंकि लैंग्वेज मायने रखती है, लैंग्वेज बहुत मायने रखेगी। हाई स्कूल में आपको तीन भाषाएं पढ़नी होंगी जिनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की हों, समझ में आ गई बात। और इंटरमीडिएट में कम से कम दो भाषाएं पढ़नी होंगी जिनमें से एक भाषा भारतीय मूल की हो। जैसे इंटर में अभी एक ही भाषा कंपलसरी थी, हिंदी और अंग्रेजी में ऑप्शन ले सकते थे, बट अब यह ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, अब कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको दो भाषाएं पढ़नी होंगी जिसमें से एक भाषा भारतीय मूल की है। तो भारतीय मूल की भाषा दूसरी कौन सी है? हमारी और आपकी प्यारी हिंदी। तो आपका हिंदी अनिवार्य हो जाएगा। हाई स्कूल में भी यही स्थिति है, तीन भाषाएं पढ़नी होंगी जिनमें से दो भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। आप हिंदी और उर्दू ले सकते हैं, हिंदी और असमिया ले सकते हैं, हिंदी और बंगाली ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाजुला के हिंदी का कंपल्सन अब आपके लिए आ गया है, आप इस चीज को विषय ध्यान रखिएगा। तो रविकांत त्रिपाठी चैनल की तरफ से सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नई शिक्षा नीति का हम पुनः स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि बच्चों के हित में भी और हम शिक्षकों के हित में ही ये योजना बहुत अच्छी है। और बाकी PDF मैं आपको दे रहा हूँ, तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप प्लीज़ आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से, जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी, कोई अपडेट आएगा लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए और वीडियो फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।